दसवें नंबर पे है सोफी डिवाइन। सोफी फ्रांसिस मोनिक डिवाइन का जन्म शुक्रवार 1 सितंबर 1989 पोरिरुआ न्यूजीलैंड में हुआ था। एक गेंदबाज से जो कभी कभी 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करती थी, सोफी डिवाइन खेल में अग्रणी ऑलराउंडर और सबसे विनाशकारी बल्लेबाजों में से एक बन गई। 2020 की शुरुआत में वह लगातार 5 T20 आए 50 प्लस स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी महिला बनी 2020 T20 विश्व कप की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की। 9वें नंबर पे है हॉली फर्लिंग। इनका जन्म 22 दिसंबर 1995। एक ऑस्ट्रेलियाई दाएं हाथ की तेज मध्यम गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया था। 14 साल की उम्र में फर्लिंग ने क्वींसलैंड में पुरुष ग्रेट क्रिकेट में पदार्पण किया और अपनी पहली 3 गेंद पर हैट्रिक ली। बाद में वह क्वींसलैंड जूनियर क्रिकेटर ओन ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली महिला बनी। 8वें नंबर पे है हार्लीन डियोल। भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज हैं। हार्लीन डियोल का जन्म 21 जून 1998 को चंडीगढ़, भारत में हुआ था। हार्लीन डियोल ने 22 फरवरी 2019 बनाम इंग्लैंड ODI से डेब्यू किया पंजाब। भारत में जन्मी हार्लीन डियोल एक आक्रामक बल्लेबाज है जो घरेलू क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने फुर्तीले फुटवर्क के कारण स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ विशेष रूप से मजबूत है। वह धीमे गेंदबाजों के खिलाफ पावर गेम और चतुराई से काम कर सकती है। 7वें नंबर पर है कायनात इम्तियाज। 21 जून 1992 को कराची, पाकिस्तान में जन्म हुआ। वह दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं और अब ZTBL महिला क्रिकेट टीम में शामिल हैं। उनकी तुलना अक्सर सबसे हॉट पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक सबा कमर से की जाती है। उन्होंने 15 नवंबर 2011 को आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए पदार्पण किया। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि कोई भी उससे प्यार कर सकता है या उसे अपना क्रश मान सकता है। जाहिर सी बात है कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों में से एक है। 6ठे नंबर पे है हेले मैथ्यूज। उनका जन्म बारबाडोस में हुआ और उनका पालन पोषण ब्रिजटाउन में हुआ। जब वह सिर्फ 11 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने स्कूल की लड़कों की टीम की कप्तानी की। जब उनके स्कूल ने लड़कों की टीम में खेलने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2014 में वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलने लगी। 5वें नंबर पर है साराह टेलर। इंग्लैंड की महिला टीम की एक खिलाड़ी सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों में से एक है। 1989 जन्मी वह अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में जानी जाती है। वह उत्कृष्ट विकेट कीपिंग कौशल के साथ दाएं हाथ से गेंद को हिट करने वाली खिलाड़ी है। दर्शक उनके कौशल और मनमोहक सुंदरता के कारण खेल के किसी भी चरण में उन्हें बल्लेबाजी करते देखना पसंद करते थे। 4ठे नंबर पर है जहां नारा आलम। जब वह 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी, तब खेलों में उनकी रुचि ने उन्हें क्रिकेट की ओर आकर्षित किया। उसके अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए हर दिन 2 घंटे की यात्रा करना खेल के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने 26 नवंबर 2011 को आयरलैंड की महिला राष्ट्रीय टीम के खिलाफ पदार्पण किया। 3रे नंबर पर है शबनीम इस्माइल ने 2007 में राष्ट्रीय महिला टीम में वापसी के साथ पदार्पण किया और लंबे समय में खुद को एक खिलाड़ी साबित किया। अपने घातक गेंदबाजी कौशल के साथ वह दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है और 1 दशक से अधिक समय से देश की सेवा कर रही है। 2रे नंबर पर है एलिसे पेरी स्टार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने 2007 में खेलना शुरू किया और 16 साल की उम्र में देश के लिए पदार्पण किया। दुनिया भर की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों में से एक है एलिसे पेरी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए खेला है। उनके नाम देश के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर का रिकॉर्ड भी है। उनका टेस्ट क्रिकेट में 75.20 का उच्चतम औसत भी है। आपका इंतजार हुआ खत्म, चलिए जानते हैं कि 1 नंबर पर है कौन। 1 नंबर पे है स्मृति मंधाना। 11 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र अंडर 19 में जगह मिल गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा हेहो फ्लिंट पुरस्कार और उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।